दोस्तों साल 2023 में अगर किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है तो वो है शाहरुख खान की फिल्म जवान और सनी देओल की फिल्म गदर 2। इन दोनों फिल्मों को लेकर फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और इन फिल्मों का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गदर 2 की रिलीज डेट में अब ज्यादा दिनों का टाइम नहीं बचा है, 20 दिनों से भी कम टाइम का इस फिल्म को रिलीज होने में बचा है और फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिले। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवान और गदर 2 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि ये फिल्में जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने पहले दिन कितनी कितनी कमाई करेगी, फिल्मों को लेकर कैसा बस है, फिल्मों का बजट कितना है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें हम फिल्म जवान की तो एटली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है जिसको प्रोड्यूस कर रही है शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा और विजय सेतुपति अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिल्म का बस इस कदर इतना ज्यादा है कि दोस्तों फिल्म ने रिलीज से पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं फिल्म की अभी तक की रिकवरी की तो मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो 84 करोड़ रुपए में बिके हैं, डिजिटल राइट्स 130 करोड़ रुपए में बिके हैं और म्यूजिक राइट्स 36 करोड़ रुपए में बिके हैं और कुल टोटल इंडिया से 250 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी तक की राइट से कमा चुकी है। अगर मैं ओवरसीज की बात करूं तो 105 करोड़ रुपए की कमाई फिल्म ओवरसीज से भी अपने रिलीज से पहले ही कर चुकी है। अब यहां पे अगर टोटल मिला के मैं आपको बताऊं तो दोस्तों फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही 364 करोड़ रुपए की 364 करोड़ की फिल्म रिकवरी कर चुकी है। जहां दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत है और बिल्कुल सच है। अब अगर मैं बात करूं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो जिस तरह का बस फिल्म जवान के लिए दिखाई दे रहा है, दोस्तों जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये फिल्म अपने फर्स्ट डे पर ही कम से कम 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई पूरी दुनिया के अंदर कमाती हुई हमें नजर आएगी। अब दोस्तों अगर बात करें फिल्म गदर 2 की तो गदर 2 फिल्म की जितनी तारीफें की जाए कम है। फिल्म के पोस्टर, फिल्म के टीजर, फिल्म के गानों को इतना शानदार रिस्पांस मिला है कि अभी तक किसी भी फिल्म के लिए इतना प्यार हमें देखने को नहीं मिला था। फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए का है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ये फिल्म बन रही है जिसमें हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल भी अहम किरदार में नजर आने वाली है। और दोस्तों उम्मीद है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 जब बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन रिलीज होगी तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ये फिल्म सिर्फ इंडिया से करने वाली है। अगर मैं फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो दोस्तों यह आंकड़ा लगभग 100 करोड़ रुपए के भी पार जाने वाला है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों फिल्मों में आप सबसे ज्यादा किस फिल्म का इंतजार कर रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा।